हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सिंबल यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल हम कैसे सर्किट में हम यूज करते हैं, सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जो सर्किट बनाते हैं तो उसमें सर्किट किस तरीके से बनाते हैं, उसमें सिंबल किस तरीके से यूज होते हैं, वो आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो सर्किट कंपोनेंट है वो इनके सामने सिंबल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल में देखो आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो सिंबल होता है आपका एक प्लस टर्मिनल होता है, इसका माइनस टर्मिनल होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या कार्य करता है, ये आपको कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में। कहीं यदि दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के बीच में आपको कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये बताएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है आपका बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी की जब हम दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी बन जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम दो या दो से अधिक सेल को यहाँ पर देखिए दो तीन हमने सेल यहाँ एक साथ कनेक्ट करे हैं और तीन जब सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी बन जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरीके से हम दिखाते हैं, जैसे कोई हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस तरीके से आपका सिंबल होता है लुक लाइक दिस। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ये आपका कंट्रोल करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है और वोल्टेज को डिवाइड करता है। आगे जो आपका रिओस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसके आप एक एरो से दिखाते हैं। ये एरो हम इसलिए दिखाते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य करता है। वेरिएबल का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं या पोटेंशियल को हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, इसलिए हम इसके ऊपर एक एरो का सिंबल दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका एमिटर। एमिटर पे एक तरफ प्लस का सिंबल, एक तरफ माइनस का देते हैं। और एमिटर क्या कार्य करता है, एमिटर आपका करंट को मेजर करने का कार्य करता है, ठीक है। और एमिटर को हम ऑलवेज जो कनेक्ट करते हैं वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट में एमिटर को हम ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और एमिटर करंट नापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका वोल्टमीटर। वोल्टमीटर सिंबल लुक लाइक दिस होता है, जैसे आपके सामने दिया गिवन है, एक तरफ प्लस टर्मिनल एक तरफ आपका माइनस टर्मिनल है। और वोल्टमीटर को जब हम सर्किट पर लगाते हैं तो ऑलवेज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और ये क्या कार्य करता है, ये वोल्टेज मापने का कार्य करता है या फिर दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका स्विच या प्लग की मतलब ओपन मतलब स्विच, यदि आपका ओपन है तो हम इस तरीके से आपको दिखाएंगे, इस तरीके से आपका ये स्विच बना हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर और सर्किट कैसा है आपका ओपन है, सर्किट ओपन है, तो इस तरीके से हम सिंबल को दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विच एंड प्लग की मतलब क्लोज्ड है, स्विच यदि आपका क्लोज है तो हम कुछ इस तरीके से आपका सिंबल दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका वायर ज्वाइनिंग, जब दो या दो से अधिक वायर एक साथ ज्वाइन हो जाती है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे एक वायर भी जा रही है सीधी, एक वायर ऊपर से आ रही है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है वायर आपकी ज्वाइन है, तो हम इस तरीके से सिंबल दिखाते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जब एक दूसरे से वायर क्रॉस नहीं करती है तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा ओवरलैप करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है एक दूसरे को जो वायर है वो ओवरलैप नहीं कर रही है। तो ये जितने भी सारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं और इनके जो सिंबल्स हैं इनको हम आगे जब हम मैं पढ़ाऊंगा आपको इनके द्वारा सर्किट आप बनाओगे तो ये सिंबल्स हम सभी यूज करेंगे। तो आज सभी को अपनी फेयर कॉपी पे कर लें और इन्हें समझ लें कि कौन कौन सा जो कंपोनेंट्स हैं किस कार्य के लिए आया। मैंने सभी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया है थोड़ा सा कि हम इलेक्ट्रिक सेल का किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या कार्य करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताता है, दो पॉइंट वाइज पोटेंशियल डिफरेंस सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप आज सबसे पहले जो स्टडी करें, जो आप लिखें वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके बने हुए हैं इनके बारे में आज मेनली मेरा डिस्कशन था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका होम्सला रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे।